फिल्म बहुत अच्छी है। और एक जब स्पोर्ट बायोपिक्स की बात आती है तो बहुत ही कम स्पोर्ट्स बायोपिक हमने देखी है, लेकिन जितनी भी आई काफ़ी अच्छी है। और ये फिल्म जो है वो बाकी जो जैसे कि मिल्खा सिंह आई है उनको टक्कर देती है। बहुत बढ़िया। शाहद अली का अगर हम देखें तो उनकी जितनी भी फिल्में हैं उसमें मुझे ये सर्वश्रेष्ठ लगी। सो फर्स्ट हाफ मूवी का काफ़ी अच्छा था। फिल्म थोड़ी स्लो स्टार्ट होती है बट धीरे धीरे पेस पकड़ती है। मुझे अच्छी लगी फिल्म, इंस्पायरिंग है। सबसे मेहनत दिख रही है दोनों की, तापसी की भी और दलजीत की भी, और तापसी तो ऐसी फिल्में कर चुकी है पहली। काफ़ी अच्छी तो नहीं थी बट प्रीटी एवरेज फिल्म। मुझे बहुत पसंद आई फिल्म और रियल इंसिडेंट पे वे बेस्ड है। जैसे कि जो हमारे हॉकी प्लेयर हैं संदीप सिंह, उनके लाइफ के बारे में पता चलता है कि कितने पेन के थ्रू बाद में जाके उन्होंने यू नो हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया है। फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने जो संदीप सिंह की भूमिका निभाई है वो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये एक इंस्पिरेशनल फिल्म है, लोगों को जाकर जरूर देखनी चाहिए। मूवी इज गुड, सुपर। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो उसने मेरा दिल जीत लिया है। दिलजीत बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ कुलभूषण खरबंदा हैं, सतीश कौशिक हैं, अंगद बेदी हैं, इन लोगों ने जो है इतनी अच्छी अदाकारी की है कि मेरा इसमें मन लग गया था। देखिए बेसिकली आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है और फुटबॉल में सेमीफाइनल चल रहा है, लेकिन इन सबको छोड़कर हॉकी का एक फिल्म देखने आया हूँ। हॉकी पर बेस्ड है, संदीप सिंह की बायोपिक है एंड माइंड ब्लोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप जब ये फिल्म देखेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा नेवर गिव अप का।